आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इम्यूनिटी। दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, इननेट एंड अक्वायर्ड। सबसे पहले इम्यूनिटी टर्म क्या होती है। इम्यूनिटी जो होता है, लेटिन वर्ड में इसको इम्यूनिटास भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि डिजीज से फ्री होना। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब होस्ट जो होता है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या फिर किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। यानी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जब भी कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है या फिर कोई और अदर फॉरेन पार्टिकल। ये दो तरह की होती है, इननेट इम्यूनिटी एंड अक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इननेट इम्यूनिटी का मीन्स होता है कि जो जब बर्थ होता है तभी से जो बॉडी में प्रेजेंट होती है, ताकि कभी भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो तो वो सबसे पहले एक्ट करेगी, उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। अक्वायर्ड होती है जो बाहर से लेते हैं, जैसे कि कोई भी वैक्सीन अगर लगाई जाती है किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक अक्वायर्ड, यानी वो बाहर से हमें इम्यूनिटी मिली है, वो हमारी बॉडी में नहीं है, तो उसको बोलते हैं अक्वायर्ड एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब इननेट इम्यूनिटी सबसे जल्दी रिस्पॉन्स करती है जब भी कोई माइक्रोब्स का अटैक होता है। अक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है उसका थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स रहता है। अब इननेट इम्यूनिटी में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे हमारा जो एक्सटर्नल डिफेंस है उसमें आता है स्किन। आपकी स्किन है, जब भी कोई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो सबसे पहले स्किन रिस्पॉन्ड करेगी। इसी तरह म्यूकस मैम्ब्रेन, इसी तरह से जो कुछ सिक्रीशन होते हैं जैसे कि टीयर्स होते हैं, उनमें लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो वो सब क्या है, इस तरह के जो सिक्रीशंस हैं वो भी इननेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। अगर इंटरनल डिफेंस में बात करें तो इंटरनल डिफेंस में आते हैं फैगोसाइटिक सेल्स, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, यानी कुछ ऐसे प्रोटीन जो कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट हों, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, नेचुरल किलर सेल्स, तो ये सब आते हैं इननेट के इंटरनल डिफेंस में। इसी तरह अक्वायर्ड के अंदर दो रिस्पॉन्स आते हैं, एक होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इननेट इम्यूनिटी के बारे में हमें डिस्कस करना है। इननेट इम्यूनिटी मैंने बताया है कि जो बर्थ से ही होती है, इन बोन रेजिस्टेंट डेवलप होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो ये जो होती है राइट फ्रॉम द बर्थ होती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक तो ये रैपिड, मैंने बताया रैपिड रिस्पॉन्स होता है, एक्ट करता है मिनट्स के अंदर, और इसमें पहले से ही किसी भी माइक्रोब का एक्सपोजर रिक्वायर्ड नहीं होता है। कि ज़रूरी नहीं है कि पहले से ही, इसमें ये होता है कि पहले से ही कोई भी माइक्रोब्स का अटैक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम भी हो रहा है तो भी ये एक्ट करेगी कि इस तरह की इम्यूनिटी। और इसमें डाइवर्सिटी लिमिटेड होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी जितने भी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरसेस के लिए ही स्पेसिफिक है या बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये सब पे एक्ट करेगी। और इसकी कोई मेमोरी नहीं है, यानी अगर कोई बैक्टीरिया जो पहले अटैक किया था वो दोबारा अटैक करता है तो इसमें कोई मेमोरी नहीं है, इसको नहीं पता चलेगा कि इसने पहले भी अटैक किया था। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इननेट इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि जो इम्यूनिटी होती है, जो इननेट इम्यूनिटी होती है, वो कम हो जाती है। और इसी तरह यंग एज होती है, जो चाइल्ड होते हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्शन का डर रहता है, तो इसीलिए एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इननेट इम्यूनिटी के लिए। इसी तरह हार्मोन्स, कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो हार्मोन की वजह से होते हैं, जैसे डायबिटीज मेलिटस होता है, इसमें क्या होता है इंसुलिन जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें जो थायरॉयड का अमाउंट है वो कम है थायरॉयड हार्मोन्स का, एड्रेनल डिसफंक्शन हो जाता है, तो भी क्या हो जाएगा, अगर इस तरह के डिसऑर्डर हो जाएंगे तो भी जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है, अगर किसी पर्सन को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से भी जो इम्यून का रिस्पॉन्स होगा वो कम होगा। जो माल न्यूट्रिशन पेशेंट्स होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, मान लो विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो और अदर डेफिशिएंसीज हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही कम हो जाएगा।
अब क्या मैकेनिज़म है इन्यूट इम्यूनिटी का, कैसे वो एक्ट करती है जब भी माइक्रोब अटैक करता है? सबसे पहले तो रिसेप्टर की इंट्रैक्शन होती है। सबसे पहला स्टेप है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनके सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होती हैं, तो वो क्या करेंगे, और इसी तरह से इनेट इम्यूनिटी के भी कुछ सेल्स होते हैं, उन पे रिसेप्टर होते हैं, तो ये जो सरफेस मॉलिक्यूल थे माइक्रोब के, ये बाइंड कर जाएंगे जाकर उस रिसेप्टर से, जो सेल थे इम्यूनिटी के, इनेट इम्यूनिटी के, उनके रिसेप्टर से जाके बाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो है इंट्रैक्शन, फिर है माइक्रोबियल सरफेस मॉलिक्यूल। मैंने अभी बताया कि माइक्रोब्स के सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वही जाके बाइंड करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स भी बोल सकते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स में कौन कौन आते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स हो सकते हैं, जैसे अगर माइक्रो में हम पढ़ते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं उनके स्ट्रक्चर में। लाइपोपॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं, टिकोइक एसिड हो सकता है, या फिर कोई लाइपोप्रोटीन भी हो सकता है जो उनके बैक्टीरियल सर्फेसिस पे प्रेजेंट होता है। फिर थर्ड होता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ये रिसेप्टर वो होते हैं यानी कि जो सेल्स पे थे, जो इनेट इम्यूनिटी के सेल पे थे ना, वो होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये उनको रिकॉग्नाइज करते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बैक्टीरिया के सरफेस पे। इसके अंदर आ जाते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स, ये एग्जांपल होते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर के, और इनके 13 टाइप्स होते हैं, TLR1 से लेकर के 13, और अलग अलग जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अभी बताया था कि मॉलिक्यूल्स में कौन होते हैं, कुछ जो होंगे कुछ टोल लाइक रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन को, कुछ टिकोइक एसिड को, कुछ लाइपोप्रोटीन को, तो ये अलग अलग इनका फंक्शन होता है। फिर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इननेट इम्यूनिटी में, अभी हमने बताया था कि उसमें एक्सटर्नल डिफेंस होता है और इंटरनल डिफेंस होता है, वो यही है। फर्स्ट है कि एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं जो कि अंदर एंट्री से रोकते हैं माइक्रोब्स की। इसी तरह कुछ एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में एंड टिश्यूज में जो कि उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट पाथवेज होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, देन माइक्रोबियल एंटागोनिज्म होता है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं, कुछ एक्यूट फेस रिएक्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, इनमें कौन कौन आते हैं। सबसे पहला जो बैरियर आता है वो आता है स्किन बैरियर, यानी जब भी कोई माइक्रोब अटैक करेगा तो सबसे पहले स्किन क्या करेगी, वो एंट्रीज को प्रिवेंट करती है माइक्रोब्स की, और क्या करेगी, सीबम को प्रोड्यूस करेगी। सीबम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड एंड फैटी एसिड होते हैं, तो यानी जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। फिर इसी तरह से म्यूकोसल बैरियर होंगे, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी एंट्री को प्रिवेंट करेंगे म्यूकस प्रोड्यूस करके ताकि माइक्रोब अंदर बॉडी में एंटर ना कर सके। सीलिया होते हैं, सीलिया क्या होते हैं, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम भी यही होता है कि अगर कोई माइक्रोब एंटर कर गया है बॉडी में तो उसको ये बाहर प्रोपेल कर देंगे, बाहर उसको रिमूव आउटसाइड निकाल देंगे। नॉर्मल फ्लोरा में क्या होता है कि जैसे इंटेस्टाइन के अंदर आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, फिर रेस्पिरेटरी में भी कुछ फ्लोरा होता है जो इनको, बाहर वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। अनदर जो होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है टेम्परेचर। नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। फिर इसी तरह से पीएच, लो पीएच, हम जो गैस्ट्रिक होता है वहाँ पे क्या होता है, एसिडिटी होती है, वहाँ की पीएच क्या होती है, लो होती है, तो लो पीएच इसीलिए होती है ताकि कोई भी माइक्रोब की ग्रोथ ना हो सके वहाँ पे। अब जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट हैं म्यूकोसा के, वो कौन कौन से हैं, जैसे स्लाइवा होता है जो माउथ के अंदर होता है, इसमें जो एंजाइम होते हैं वो क्या करेंगे, जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा तो उसकी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसको वो डैमेज कर देंगे, या फिर बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज कर देंगे। जो जब उसकी सेल वॉल या मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो फिर वो उसकी डेथ हो जाएगी बैक्टीरिया की, तो ये काम होता है स्लाइवा का। टीयर्स में मैंने बताया है कि लाइसोजाइम जो होता है वो एंजाइम होता है, ये क्या करता है, किसी भी बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है,
उसका स्ट्रक्चर देखना, तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है उसकी वॉल में, तो उसको ये डैमेज कर देता है। देन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी क्यों होती है, एसीएल की वजह से, तो वो भी क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का प्रोटीन होगा उसके स्ट्रक्चर में उसको ये ब्रेक डाउन कर देगा। फिर बाइल सॉल्ट, ये भी क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। फैटी एसिड, फैटी एसिड्स का वर्क भी यही होता है कि जो भी बैक्टीरियल प्रोटीन है उसको डीनेचर कर देंगे। स्पर्मिन, स्पर्मिन जो होता है वो सीमन में होता है, और ये क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होता है, एक ग्राम नेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देगा। फिर लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन जो होता है वो आयरन से बाइंड करता है, तो जो भी आयरन बैक्टीरिया का जो आयरन होता है उसके साथ ये इंटरफेयर करता है। अब अनदर प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस, ये भी कंपोनेंट था इन्नेट इम्यूनिटी का। इसमें कौन कौन आते हैं, न्यूट्रोफिल आते हैं, मैक्रोफेसिस आते हैं एंड मोनोसाइट्स होते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के। और इसमें तीन स्टेप होते हैं, जब भी कोई माइक्रोब अटैक करता है तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो माइक्रोब को इनगल्फ कर लेते हैं यानी उसको अंदर ले लेते हैं, उसके बाद उसको आप फ्यूज़न कराते हैं तो ये फैगोसोम बन जाता है। इस फैगोसोम को फ्यूज़ कराते हैं लाइसोसोम के साथ, और लाइसोसोम में क्या होगी, माइक्रोब्स की किलिंग हो जाती है। तो ये इसके मेन स्टेप्स थे। अब अनदर जो कंपोनेंट है उसमें आ जाते हैं नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल का काम क्या होता है कि जो भी ट्यूमर सेल्स होते हैं बॉडी में, या फिर वायरस पे जिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो वायरस से इंफेक्टेड होते हैं, तो उन सेल्स को ये किल कर देता है। इसी तरह मास सेल होते हैं, मास सेल जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की या फिर म्यूकोसा की, उन पे ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे ही कोई माइक्रोबियल अटैक होता है तो उससे एक्टिवेट हो जाते हैं, और इनका काम होता है कि ये इन्फ्लामेशन को इनिशिएट करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज़ कर देते हैं। हिस्टामिन क्या होता है, एलर्जी कॉज करता है केमिकल, और उनको ये रिलीज़ कर देते हैं। एंड साथ में प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनको भी इनिशिएट करते हैं, और प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन को बैक्टीरिया की डीनेचर करेंगे, तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा। अनदर जो कंपोनेंट है वो है डेंड्राइटिक सेल्स। इनका काम भी यही होता है कि ये माइक्रोब को कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ साइटोकाइंस जो इनिशिएट करेंगे इन्फ्लामेशन। आगे हम बताएंगे इन्फ्लामेशन क्या होता है। एंड तो ये भी जो होते हैं इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं माइक्रोब को बाय प्रोड्यूसिंग साइटोकाइन एंड इनिशिएट कर देंगे इन्फ्लामेशन को। कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ये भी एक कंपोनेंट था इनेट इम्यूनिटी का। अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे ये तब एक्टिवेट होता है जब बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होती है, तो ये एक टॉक्सिन होती है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, जब भी ये प्रोड्यूस होगी तब ये एक्टिवेटेड होगा। इसी तरह से मैनोज बाइंडिंग पाथवे भी आता है इसमें, ये तब स्टिमुलेट होता है अगर बैक्टीरियल सरफेस पे क्या होता है, मैनोज कार्बोहाइड्रेट हो अगर उसके सरफेस पे, ये तब एक्टिवेट होता है। इसका फंक्शन यही होता है कि जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी एंटर किया है, जिसको भी टारगेट करना है, उसको ये लाइसिस कर देगा, और कैसे लाइसिस करेगा, पोर की फॉर्मेशन कर देगा उसके सरफेस पे बैक्टीरिया के, और फिर इस तरह से लाइसिस हो जाएगी। अनदर होता है इन्फ्लामेशन को स्टिमुलेट करेगा, मतलब कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को सक्रिएट करेगा जिससे कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और थर्ड होता है कि ये एक ब्रिज होता है इनेट एंड एक्वायर्ड के बीच में, तो ये फंक्शंस हैं कॉम्प्लीमेंट पाथवे के। अब ये है पूरा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। सबसे पहले क्या होता है, वैसोडायलेशन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वाइडनिंग हो जाती है जब भी कोई बैक्टीरिया अटैक करता है। उसके बाद जैसे ही वाइडनिंग होगी तो प्रोटीन का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा थ्रू ब्लड वेसल। फिर फैगोसाइट्स वहाँ पे आ जाएंगे इन्फ्लामेशन वाली साइट्स पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो माइक्रोब है बाहर वाला, जो जिसने अटैक किया है, उसका इंग्लॉफमेंट हो जाएगा। और जब भी वो इंग्लॉफमेंट हो जाएगा तो क्या होगा कि वो माइक्रोब्स की डिस्ट्रक्शन कर देंगे। तो ये फिगर है आपकी,
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की, जैसे ही बैक्टीरिया का अटैक हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे फ्लूइड की लीकेज होना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हुआ, फैगोसाइट्स जाएंगे अब, तो फैगोसाइट्स जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं उस साइट पे जहाँ पर क्या है इनफेक्ट अटैक हुआ है। फैगोसाइट्स का काम क्या होगा कि वो इंगल्फमेंट कर लेंगे, ये इंगल्फमेंट हो रही है तो ये क्या करेंगे, इंगल्फमेंट कर लेंगे और उस जो भी बैक्टीरिया है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। अनदर कंपोनेंट है साइटोकाइनिन। जब भी कोई भी माइक्रोबियल एंटीजन होता है या फिर अनदर जब भी अटैक होता है तो वो जो सेल होते हैं, डेंड्राइटिक सेल हो गए या मैक्रोफेजेस हो गए, वो साइटोकाइन को सक्रीट कर देते हैं। साइटोकाइन्स के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आते हैं, इंटरल्यूकिन आ जाता है 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, 10 एंड 16, इंटरफेरोन आ जाते हैं, अल्फा बीटा एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर आ जाते हैं। अनदर जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं इन्यूट इम्यूनिटी के एक्यूट फेस रिएक्टेंट प्रोटीन, APRs भी बोलते हैं इनको। ये जो होते हैं प्रोटीन लीवर के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, इनकी सिंथेसिस इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ये जो होते हैं अनदर सेल्स भी इनको बनाते हैं, जैसे एंडोथेलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट, मोनोसाइट, एडिपोसाइट, ये सेल्स भी इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी जो फंक्शन होता है वो यही होता है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये वर्क कर रहे होते हैं। तो ये था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी।